गीतामृतदुहे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गीता भगवती वस्तुतः अपार प्यार अपनत्व भाव सद्भाव का एक अनूठा स्रोत, करुणा प्रेम मुदिता सब कुछ स्वाभाविक भगवद गीता में अनुभव हो सकता है, होगा। आओ उस भाव के साथ और आगे बढ़ते हैं। चर्चा लगातार चल रही है समत्वम योग उच्चते को लेकर, मन की समावस्था योग है। योग तो गीता का मुख्य अभिप्राय है ही है, इससे कोई संदेह ही नहीं। प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग, प्रत्येक अध्याय का विश्राम योग शास्त्री के रूप में उस अध्याय का भाव जोड़ करके, और यही नहीं योग को एक सामान्य व्यायाम अभ्यास आसन क्रिया से लेकर के उस विराट परमात्मा से जीवात्मा का योग, एकाकारिता की स्थिति तदाकारिता की स्थिति, भगवद गीता का योग वहां तक की दिव्यता है। और यही नहीं सब में सर्वत्र समदर्शना की स्थिति भी, उसको हम अभी साथ साथ लेंगे कि गीता का योग किस किस रूप में सीधे सीधे शब्दों में परिभाषित है, और लगेगा कि हर क्षेत्र के लिए गीता का योग कितना महत्वपूर्ण, कितना उपयोगी, कितना आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। और वहाँ जब योग की आंतरिक दिव्यता को हम सब समझ लेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि यदि कोई विधा ऐसी है जो संकीर्णताओं के बंधन तोड़ सकती है, जो कहीं ना कहीं स्वार्थों की दरारें भर सकती है, जो कहीं ना कहीं जो ये विखंडन विचलन की स्थितियां उसकी दीवारें अलग कर सकती है, वह गीता की दिव्य योग स्थिति है। अब समत्व योग उच्चते की बात चल रही है कि संतुलन का नाम योग है। संतुलन बना के जिए, एक पक्षीय ना जिए, और उसके लिए कुछ संकेत किए भी गए कि संतुलन हमें अध्यात्म और भौतिकवाद में बना के चलना है, संतुलन हमें केवल शरीर तक एक पक्षीय नहीं मन की स्थितियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिना मन के दृढ़ हुए जीवन अच्छा चल ही नहीं सकता। संतुलन हमें अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में भी बना के रखना है, वहाँ भी एक पक्षीय नहीं कि अनुकूलता आई तो बहुत हर्षित और बहुत आसक्त और धीरे धीरे बहुत अहम की जागृति की स्थिति, प्रतिकूलता आई तो एकदम निराशा में गिर गए। संतुलन बनाना है, अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन की आवश्यकता है। अध्यात्म और भौतिकवाद में ये सत्य है निश्चित रूप से कि भौतिकवाद यदि अध्यात्म की नींव पर खड़ा हो, अध्यात्म को स्वीकार कर ले, खुले मन से स्वीकार कर ले, अध्यात्म की एक दृढ़ नींव साथ बना ले, तो निश्चित भौतिकवाद एक वरदान बन जाएगा, भौतिक विकास एक वरदान बन जाएंगे। आज कहीं ना कहीं भौतिकवादी विकास मेटलिस्टिक डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो विकास की ओर अधिक ले जा रही हैं,
या कि कई रूपों में हरास की ओर और कहीं कहीं विनाश की ओर, उस पे विश्व भर के समस्त सुदीजनों को, विचारवानों को विचार करना होगा। और विचार के लिए यही उपयुक्त समय है। अब भी यदि विचार नहीं किया कि विश्व की आवश्यकता क्या है, उसकी पूर्ति कहाँ से हो सकती है, तो शायद विलंब हो जाएगा, कदाचित स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। आज ही आप देखो ना कि कैसी कैसी स्थितियां युवाओं में, किस प्रकार से अंदर मेंटल डिस्टर्बेंस, अंदर कहीं कंफ्यूजन, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। कहीं निर्णय करने में बहुत स्थिति नहीं, वहाँ पर निर्णयों में बनी रहती है, कई प्लानिंग्स में, कई एग्जीक्यूशंस में, सही हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जब भगवद गीता हाथ में होगी, भगवद गीता साथ में होगी, एक सही मैनेजमेंट आपको दिखाई देगी। कैसे आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, आधार अध्यात्म यही तो है कि आधार परमात्मा को लो, व्यवहार संसार में करो। अध्यात्म व्यवहार करने से मना थोड़ा ना करता है, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं कि अध्यात्म का केवल ये स्वरूप हो कि अपनी प्रारब्ध के कर्मों को छोड़ दो, व्यवहार मत करो, व्यवहार से आंखें मूंद लो, कहीं नहीं आपको ऐसे संकेत। और गीता भगवती तो बिल्कुल भी इस स्थिति के विरोध में है। और प्रमाद ना करें, इस पर अच्छी चर्चा हमने की भी है कि प्रमाद में आसक्ति ना हो तो व्यवहार करें। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, नीम अध्यात्म की बना ले, अध्यात्म को साथ जोड़ ले, संतुलन बना के चलें, एक पक्षीय ना चलो, व्यवहार में इतने उलझ ना जाओ कि ईश्वर भूल ही जाए, व्यवहार में इतने खो ही ना जाओ कि कहीं जीवन का जो लक्ष्य है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाए और बाद में हाथ में ही ना आए लक्ष्य, ऐसा व्यवहार तो नहीं ना। और इसीलिए गीता भगवती ने युक्त आहार विहारस्य की बात कही, युक्त चेष्टस्य कर्मसु की बात कही कि कर्मों में युक्त स्थिति, आहार विहार में बिल्कुल संतुलित स्थिति। तो संतुलन गीता का योग है, अध्यात्म और भौतिकवाद, अध्यात्म और व्यवहार दोनों का संतुलन बना के चलें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि रेलगाड़ी पटरी के दो लाइन होती है, दोनों बिल्कुल समानांतर पैरेलल होती हैं। तो रेलगाड़ी संतुलित भाव से आगे बढ़ती जाती है, लक्ष्य तक पहुंचा देती है। मान लो, आप कल्पना करो बात को समझने के लिए, कि यदि एक लाइन छोटी हो, एक लाइन बड़ी हो, या केवल एक ही लाइन हो, या एक का मुख इधर हो, एक का मुख इधर हो, तो रेल तो डिरेल होगी ही होगी। और आज आपको लगता नहीं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जीवन की रेल, परिस्थितियों की रेल, समाज की स्थितियां, पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक, कहीं ना कहीं डिरेल होती दिखाई दे रही, व्यवस्था के ट्रैक से कहीं ना कहीं हटती हुई दिखाई दे रही हैं। वहां काम आता है गीता का यह आदर्श, समत्वम योग उच्यते। सामने रखो रेल ट्रैक को, पटरी दो, पटरी की दो लाइनें समानांतर बिल्कुल और बिल्कुल एक जैसी, ट्रेन समूथली चलती है, गंतव्य तक पहुंच जाती है। आओ जीवन की गाड़ी को गंतव्य की ओर बढ़ाए, डिरेल ना होने। आप कहेंगे डिरेल क्या होता है, बड़ी सीधी बात, बिल्कुल जब अपसेट होकर के जीते हैं। और हम कई बार ये भी बात कहते हैं कि संसार में हमें ये चिंता तो रहती है कि सब कुछ सेट हो,
बिजनेस सेट हो, फैमिली सेट हो, और भी हमारा मकान बिल्कुल सेट हो, और फिर कई बार कई तरह के सेट खरीदने की भी रहती है, कहीं टीवी सेट, कहीं मोबाइल सेट, कहीं क्रॉकरी सेट, कहीं ये सेट, वो सेट, सोफा सेट और कितने सेट। लेकिन जब ये दिखता है कि सब कुछ सेट करते करते और कई तरह के सेट रखते रखते लेते लेते जब जीवन पूरी तरह अपसेट सा हुआ हुआ दिखता है, यही है जीवन की रेल का डिरेल होकर के चलना। व्यवस्था के साथ नहीं गाड़ी चल रही, सहजता में नहीं चल रही, या यूं कह लें एक गाड़ी होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, और आजकल तो चाबी भी नहीं लगानी पड़ती, केवल हल्का सा स्विच ऑन, गाड़ी स्टार्ट। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि कोई कोई गाड़ी ऐसी भी हो जाती है जो थक्का स्टार्ट होती है, और ऐसा भी हमने देखा कोई कोई गाड़ी ऐसी भी होती है जिसको एक बार धक्का लगा लगा के स्टार्ट करके चलाते हैं, फिर कहीं अटक जाती है, फिर से उतर के धक्का लगाना पड़ता है, फिर से चलाना पड़ता है, समूथली नहीं चल पाती। एक बार कहीं रेगिस्तान की बात है, कोई तांगा चालक थे, तो उसने कहा कि मेरे तांगा में फर्स्ट क्लास के ये रेट, सेकंड का ये, थर्ड का ये, और किसी ने कह दिया कि तांगा ये तो सीट तो एक जैसी हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हुआ? तो कहा बैठो, आगे जाके पता चलेगा। वो रेगिस्तान था, तांगा गाड़ी चली, अब बीच में रेत आ गई तो गाड़ी चल नहीं पा रही थी, तो उसने कहा कि फर्स्ट क्लास वाले तो आराम से बैठे रहो, सेकंड क्लास वाले यहाँ से पैदल चल के आगे तक पहुँच जाओ, और बाद की क्लास वाले उन्हें धक्का लगा लगा के इसको आगे निकालना पड़ेगा। और तब तो सब हैरान हुए कि क्लास, तो जीवन में भी हम क्यों ना अगर कर सकते, और मनुष्य जीवन तो ये तो है ही फर्स्ट क्लास का जीवन। फर्स्ट क्लास अर्थात सब योनियों में अग्रिम जीवन है, सब योनियों में अग्रणी योनि है मनुष्य योनि, नर्तन सम नहीं कविनो देही, जीव चराचर जाचत दे। मनुष्य जीवन जैसा और कौन सा जीवन है, आप विचार तो करें, और वो सौभाग्य हमें मिल चुका है, मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो धक्का स्टार्ट जीवन क्यों, जब सेल्फ स्टार्ट चल सकता है, तो इस पर अवश्य विचार करें। और सेल्फ स्टार्ट गीता का क्या है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, स्वाभाविक अपने आप से, अपने आप में सहज शांति, सहज संतुष्टि, और उसी का यह गीता सूत्र है कि रेल की पटरी दो लाइनें दोनों समानांतर पैरेलल हो तो गाड़ी ठीक चलेगी। आओ जीवन की गाड़ी में दोनों लाइनों को साथ जोड़ कर चलें, अध्यात्म भी व्यवहार भी, छोटी बड़ी नहीं, और प्यार भी साथ, एक कम हो इधर एक कम हो उधर, ये भी कुछ जीवन की संतुलित व्यवस्था नहीं है। समत्वम योग उच्चते, अध्यात्म और व्यवहार का संतुलन, क्रिया और कृपा का संतुलन बताया गया था, धर्म और कर्म का संतुलन, तो गीता का प्रारंभ ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से है, अपने अपने कर्म को धर्म का रूप देने का प्रयास करो, तो कर्म और धर्म में संतुलन बना के चलें, तो गीता का योग संतुलित जीवन की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। गीता का योग सम जीवन, शांत जीवन, सेल्फ स्टार्ट लाइफ, अपने आप में संतुष्टि, स्वाभाविक संतुष्टि, और उस संतुष्टि के साथ व्यवहार को अच्छे ढंग से करने की
एक अनुपम कला है, एक अद्भुत कला है गीता का योग। गीता के इस योग को, समत्वम योग उच्यते को, जितना चाहे हम इसको और व्यापक रूप में चिंतन में ले सकते हैं। मैं एक विचार और देख लेते हैं। गीता भगवती में से हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई एक सूत्र लेकर के हम कहीं ना कहीं गीता जी की एक परिक्रमा करते रहें, गीता के भावों में कुछ रमण, कुछ भ्रमण, विचरण हमारा गीता जी के चिंतन में, गीता जी के भावों में ही हो। और सच में एक एक शब्द गीता का, उसका विस्तार भी आपको गीता जी में से ही मिल जाएगा। ये अद्भुत कला है भगवान कृष्ण के उपदेश देने की, अद्भुत कला है शब्दों का नियोजन, इतना अद्भुत है गीता में। गीता की प्रेरणाओं की व्यवस्था इतनी अनूठी है, आप जिज्ञासा तो जगाओ, आप मन में एक भाव तो उत्पन्न करो कि गीता के साथ जीने का, ये जीव गीता का जो बार बार ऐसा आह्वान रहता है कि जीव गीता के संग सीखो जीने का। क्यों? क्योंकि शोक मोह भय हरती गीता, दुख चिंता सब हरती गीता, जीवन में रस भरती गीता, चढ़ जाए मस्ती का रंग, कब? जब गीता के संग जीने का अभ्यास, चढ़ जाए मस्ती का रंग, सीखो जीने का ढंग, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। ये जीव गीता के जो कई उद्घोष हैं, आह्वान हैं, कई स्लोगन्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो एक थीम स्लोगन है जीव गीता का, वो है जीव गीता के संग सीखो जीने का ढंग। और आपको लगेगा कि जैसे जैसे आप इस रूप में गीता जी को समझेंगे, सुनेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि गीता जी में से जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कितनी अद्भुत प्रेरणाएं आपको प्राप्त होंगी, कितनी व्यवहारिक प्रेरणाएं आपको प्राप्त होंगी, और जीवन में एक नया निखार, एक नई बहार, जीवन में कुछ अलग सा सुधार, एक मजबूत आधार। और वहाँ लगेगा कि यही तो है जीवन में शांति का, सद्भाव का और आनंद का एक दृढ़ आधार। और इसीलिए जियो गीता की ये बड़ी खुली है पुकार, जियो गीता के संग में, छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में, छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में, जियो गीता के संग में। जियो गीता एक आह्वान है संतुलित जीवन का, प्रसन्न चित्त जीवन का, और एक संतुलन भाव का, योग की व्यवहारिक दिव्यता को स्वीकार करने का। ओम ओम ओम, जय श्री कृष्ण।